कभी कभी भक्तों को लग सकता है कि मैं कैसे प्रगति करूं, शायद मैं कभी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकूंगा, मैं तो बहुत पतित हूं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन देखिए, भगवान स्वयं हमें आश्वासन दे रहे हैं, स निश्चय न योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। कह रहे हैं कि व्यक्ति को सनिश्चय न योक्तव्य, बड़े निश्चय के संग योग युक्त होना चाहिए। किस में? योग पद्धति में, भक्ति योग में। और निर्विण्ण अनिर्विण्ण चेतसा, अरे अब मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है, मन को संयमित करना बहुत मुश्किल है, ये सब हम कैसे कर पाएंगे। फिर कह रहे हैं संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प के द्वारा जितनी भी काम वासना उदित हो रही, ना ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी, उसके लिए प्रयासरत रहूंगा, त्यागते हुए, त्यक्त्वा सर्वान अशिष्टता, हर प्रकार की इच्छा को त्यागते हुए, नहीं मैं जीव हूं, मैं भगवान का अंश हूं, एकमात्र कृष्ण की प्राप्ति करके ही मैं सुखी होऊंगा, इस भावना से, और जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं प्रयासरत रहूंगा, ऐसी भावना से व्यक्ति को निश्चय करके भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति नहीं छोड़ूंगा, और एक और निश्चय करना है कि ये कोई भी काम इच्छा है, इसको मैं इसको संतुष्ट करने में नहीं लगूंगा, इसकी प्राप्ति के लिए भजन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और मनसा मनसा एवं इंद्रिय ग्रामम विनियम संबंधता, मन और इंद्रियों का जो भी समूह है उसको संयमित करूंगा, क्योंकि जब इंद्रिय संयमित होती हैं और हम भक्ति करते रहते हैं तो हमारी हमारा प्रेम जो है भगवान के प्रति उदित होने लगता है। ये आप लखा हीरा नाम की जो वैश्या थी उसके बारे में आप सुन सकते हैं, वहां लिखा हुआ है कि वह नाम जप करती और अपने इंद्रियों का सारा संयमित की होती, यानी इंद्रियों को भोग में नहीं जाने दे रही थी, और जब इस प्रकार से उसकी इंद्रियां पूरी तरह संयमित हो गई तो कृष्ण प्रेम उनके हृदय में जागृत हो गया। इस संबंध में ये भगवद गीता का 6ठे अध्याय का 24वां श्लोक है। श्रील प्रभुपाद एक चिड़िया की कहानी सुनाते हैं। एक चिड़िया, उसके अंडे समुद्र में बह गए थे, तो उसका इतना निश्चय था, इतना दृढ़ संकल्प था कि मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। अब स्वाभाविक सी बात है कि समुद्र को सुखाना उस चिड़िया के लिए संभव नहीं था। पहले उसने समुद्र से प्रार्थना करी कि मेरे अंडे वापस कर दीजिए, तो समुद्र ने नहीं सुनाया, कौन ध्यान दे रहा है। लेकिन जब उसने निश्चय करके अपनी चोंच से एक-एक बूंद उठाना शुरू किया समुद्र का, ये संकल्प के संग कि समुद्र को सुखा दूंगी, मुझे अपने अंडे प्राप्त करने, खोए हुए अंडे, उसी प्रकार से, तो फिर हुआ क्या कि जब इस प्रकार के दृढ़ संकल्प की कर रही थी, प्रयासरत थी, तो गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने कहा, ए इसके अंडे वापस करो, नहीं तो मैं इसका प्रयास करूंगा। और गरुड़ जी के लिए समुद्र को सुखाना कौन सी बड़ी बात है, तो समुद्र के देवता जो है वो डर गए, तुरंत तुरंत ठीक है इसके अंडे ले लो वापस। ऐसे ही अपने हृदय के शुद्धिकरण करने में हमें लगता नहीं कि हमारे को सामर्थ्य है, लेकिन जब हम प्रयासरत रहते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। अब देखिए ना कि मन को संयमित करना कितना कठिन है, लेकिन ये समझ लीजिए कि हम अपने मन को स्वयं संयमित नहीं कर सकते हैं, बार बार हम ये जो उच्चारण करेंगे अपनी चोंच से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारी चिड़ियाओं से निवेदन है कि अपनी चोंच चलाते रहें, चोंच के द्वारा हरे कृष्णा बोलेंगे तो ये जन्म मृत्यु रूपी सागर निश्चित रूप से सूख जाएगा ठाकुर जी की कृपा के द्वारा। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात माता रुक्मिणी के संदर्भ में कहते हैं, और वो कहते हैं कि भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि शुद्ध भक्त बड़े उत्साह के संग, बड़े निश्चय के संग भगवान की भक्ति करते हैं कि मैं रोज जप करूंगा, मैं रोज मंगल आरती जाऊंगा इत्यादि। ये जो निश्चय है ये रुक्मिणी देवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और यही मूल है कृष्ण को के अनुग्रह को प्राप्त करने का, और यही पूरा दामोदर महीना जो चल रहा है अभी उसी के लिए तो है। भक्त बड़े उत्साह के संग, बड़े निश्चय के संग भगवान का भजन करता है। रुक्मिणी माँ देवी ने क्या कहा था, रुक्मिणी देवी ने पत्र लिखा कृष्ण को कि यद्यपि मैं अयोग्य हूं, लेकिन यदि मुझे 100 जन्म भी क्यों ना लगे, फिर भी मैं आपकी ही पत्नी बनूंगी, आपकी सेविका बनूंगी, नहीं मैं और किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। तो इस प्रकार का डिटर्मिनेशन भक्त का होता, चाहे कितना भी जन्म लग जाए लेकिन मैं भगवान की प्राप्ति करके ही रहूंगा। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति संकल्प रहित से रहता है, युक्त रहता है, तो कृष्ण उसकी जरूर मदद करते हैं, ठीक है। तो सभी चिड़ियाओं से निवेदन है कि ये जो भक्ति अंडा, मतलब अंडा की उपमा दी जा रही, हमारा अंडे से मतलब समझ रहे हैं, अंडा मतलब बच्चा और बच्चे से मतलब प्रेम, तो हमारा भगवत प्रेम अभी लुप्त है तो हृदय में लेकिन लुप्त है, हृदय के सागर में कहाँ डूबा है पता नहीं, माया में फंसा हुआ है, तो वह प्रेम वापस प्राप्त करना है हमको। और अगर हम अच्छे से जप करते हैं, भक्ति करते हैं, करते ही रहते, चाहे इस संकल्प के संग चाहे कितना भी जन्म लग जाए,
भगवान की सहायता जरूर होगी और हम लोग जरूर भगवान की प्राप्ति करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो चैंट योर मंत्रा विद योर चोंच वेरी नाइसली। चोंचे चलनी चाहिए, ठीक है, केवल मन में नहीं करना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।